नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम टू शिवाना इस अकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा मैंने मेंशन किया था लोगों से, ज्योग्राफी एनसीईआरटी सिक्स क्लास के पूरी जो एक पीडीएफ वर्जन था उसको हमने वीडियोग्राफी में कन्वर्ट किया है। सिक्स से लेके ट्वेल्व तक की सारी एनसीईआरटी जो किताबें हैं वो कवर की जाए। इस समय हम पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को, जितना हिंदी में कहें लैटिट्यूड कहते हैं अक्षांश और लॉन्गिट्यूड कहते हैं देशांतर को। एक ये जो आपके पास एक पिक्चर है, अगर इस पिक्चर के हिसाब से हम चलेंगे तो इसको डिस्कस करेंगे क्या चीजें इस पर कहने वाले हैं। ये पिक्चर हमें जो मेंशन कर रही है, ये पिक्चर आप यहां देखेंगे, ये ग्लोब को रिप्रेजेंट कर रही है, मैप को रिप्रेजेंट कर रही है वर्ल्ड के। अगर अर्थ को हॉरिजॉन्टली इस तरह से डिवाइड किया जाता है तो इस लाइन्स को लॉन्गिट्यूड लाइन्स कहते हैं, देशांतर लाइन्स कहते हैं। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टली किया जाए, वर्टिकली न करके हॉरिजॉन्टली किया जाए, तो हॉरिजॉन्टल लाइन्स को लैटिट्यूड कहते हैं, अक्षांश और देशांतर। आइए कुछ डिस्कस करते हैं जवाब में क्या चाहता हूँ, डिस्कशन क्या है, किन मुद्दों में बनना चाहते हैं। तो डिस्कशन के तौर पे बातें हमारे पास ये हमारे पास टॉपिक है जिसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। मतलब आपको अगर ये समझना हो कि 15-20 मिनट की लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, वो लाइन जो हॉरिजॉन्टल होती है, ये माने बिकॉज ऑफ रीजन की ये लंबे ट्रैवल करते हैं जो पैरेंट्स होते हैं, तो ये आपको सीधी ना दिखे, गोल दिख रही है। तो ये जो लाइन हॉरिजॉन्टल है इस वर्जन में, इन्हें लाइंस ऑफ इक्वेटर कहते हैं। मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट जहां पे अर्थ दो हिस्सों में डिवाइड होती है 0 डिग्री पे, इसे इक्वेटर कहा जाता है। इसे इक्वेटर कहा जाता है। इक्वेटर माने जहां हॉरिजॉन्टली अर्थ दो भागों में डिवाइड होती है। 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर कहा जाता है। पैरेलल लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, ये जो लाइंस इन्हें कहते हैं पैरेलल लाइन ऑफ लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड बताता क्या है, इसके ऊपर हम आते हैं कि लैटिट्यूड मेंशन किस चीज के बारे में करता है, ये बताना चाहता है क्या। तो ये रहा हमारे पास मेन्यू, ये हमारे पास जो फिगर है ये है लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, माने हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइन किसके बारे में कहते हैं, अंडरस्टैंड करना। ये हमारे पास अगर मान लीजिए मैं बनाता हूं ये सन है, सन की रेस पड़ती है कि जो अर्थ है ये थर्ड प्लैनेट है आफ्टर वेनस एंड मर्करी। तो मर्करी और वेनस के बाद थर्ड नंबर पे आता है अर्थ अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के हिसाब से ये थर्ड नंबर पे है। तो आप यहां ये पाएंगे कि इक्वेटर से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ और इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ, ये वाला जो एरिया है ये बिल्कुल सामने है किसके, अर्थ के, सॉरी सन के। तो सन की सीधी रेज रिसीव करता है ये एरिया जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ है। इसीलिए इस जोन को जो इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर है और 23.5 डिग्री नीचे है, इसे कहते हैं टोरिड जोन। टोरिड जोन माने जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन के बीच चीजें आती है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है इसको कर्क रेखा कहते हैं और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन है इसको मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा कहते हैं। तो आपसे कहा जाए कि कर्क रेखा कौन से डिग्री पे है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। कौन सी डिग्री पे मकर रेखा है, 23.5 डिग्री साउथ पे। कहां पे अंटार्कटिक सर्कल है, इस लाइन को जहां से फ्रीजिंग जोन शुरू होता है, माने इसके बाद जो एरिया होंगे नॉर्थ पोल की ओर को वो बिल्कुल
बर्फ वाले एरिया से, वहां सनलाइट पहुंचती नहीं, इसलिए 66 डिग्री जो नॉर्थ है इसको आर्कटिक सर्कल कहते हैं, और जो 66 डिग्री साउथ है इसको अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं, क्योंकि जो सन की रेज में घूमती हुई आती है यहाँ पहुंचती ही नहीं है, सन की रेज जो यहाँ घूमती हुई जाती है वो यहाँ पहुंचती ही नहीं है। तो आपसे सवाल इस पे क्या रहेगा, नंबर 1 लाइंस ऑफ लैटिट्यूड किसके बारे में बताती हैं, तो नंबर 1 टेम्परेचर के बारे में, और दूसरा बताती है डिस्टेंस के बारे में। 1 डिग्री इज इक्वल टू 111 किलोमीटर होता है। 1 डिग्री लैटिट्यूड जो होता है वो 111 किलोमीटर के बराबर होता है। क्यों? लैटिट्यूड ये लाइंस होती है, ये लाइन डिस्टेंस के बारे में और टेम्परेचर के बारे में बताती है, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड क्या होता है, इक्वेटर। 23 डिग्री नॉर्थ क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23 डिग्री साउथ क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन विच मीन्स मकर रेखा। 66 डिग्री नॉर्थ क्या होता है, अंटार्कटिक सर्कल, सॉरी आर्कटिक सर्कल। 66 डिग्री साउथ क्या होता है, अंटार्कटिक सर्कल। 66 से 90 90 डिग्री साउथ ये होता है फ्रीजिंग जोन, माने ये फ्रीज है, माने ये एरिया बर्फ भरे होते हैं हमेशा। 66 डिग्री नॉर्थ से लेके 66 डिग्री नॉर्थ पोल जो है यहाँ तक ये फ्रीजिंग जोन है, माने ये जो एरिया है यहाँ पे बर्फ होती 24 घंटे। इसीलिए वो एरिया जो इक्वेटर से दूर है, जैसे इंडिया यहाँ से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन ये वो एरिया है, जैसे आप मैं दोबारा से मेंशन करूँ कोई चीज को तो आप रियलाइज करेंगे इस चीज को। अगर मैं इस बात को मेंशन करूँ यहाँ पे कि ये जो एरिया है जो सबसे ज्यादा हीट रिसीव करता है, सबसे ज्यादा गर्मी रिसीव करता है, आप देखेंगे यहाँ के लोग हमेशा ब्लैक होते हैं, काले होते हैं। कौन? अफ्रीका। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहां पे लोग काले होते हैं। क्यों? क्योंकि टोरिड जोन में एक ही कुल महाद्वीप है और वो है अफ्रीका। अफ्रीका इकलौता ऐसा महाद्वीप है जो इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन से गुजरता है, या वहां पे खड़ा है, लाइन गुजरती है, इसीलिए सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ होती है। अब आपसे बात की जा रहा है कि अंटार्कटिक सर्कल में बर्फ है, आर्कटिक सर्कल में बर्फ है। आप ये ऊपर वाले जो एरिया ग्रीन बिच बर्फ से भरा पड़ा हुआ है, नीचे ऑस्ट्रेलिया ठंड होती है, कहीं ऊपर लंदन है तो बर्फ पड़ी होती है, बहुत ठंड होती है। जो जो एरिया 0 डिग्री से दूर होते जाएंगे वहां गर्मी उतनी कम होती जाएगी। तो नीचे इक्वेटर से दूर जाते हैं गर्मी कम, तो यहाँ गर्मी ज्यादा है, कम 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 और गर्मी, क्योंकि रीजन क्या है कि यहाँ पे सन की लाइट ऐसी नहीं पड़ती, यहाँ भी पहुंचती है यहाँ भी पहुंचती है, लेकिन घूमते घूमते यहाँ बहुत कम पहुंचती है, यहाँ लाइट पहुंच ही नहीं पाती सनलाइट। इसे लाइट जब पहुंचती नहीं तो गर्मी भी नहीं होती। आपसे ये सवाल 100% पूछे जाएंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से डिग्री पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन कौन से डिग्री पे है, मैंगो। अब ये जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कॉल्ड करंट रेखा, 23 डिग्री नॉर्थ, ये भारत देश के 8 राज्यों से गुजरती है, और ये 8 राज्य जो है वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ऐसे त्रिपुरा एंड मिजोरम, 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। इन 8 राज्यों में आपसे सवाल हमेशा पूछा जाएगा कि बताइए कौन से राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत देश को 2 डिफरेंट भागों में डिवाइड करती है, जिसके बलबूते पर ही भारत देश में सवाल बनता है कि 8 कौन से राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। इसकी बिल्कुल बात आप मालूम करते हैं, ये वही बातें हैं जो मैंने कह दी आपको, ये उसी के तौर पे आया हुआ है। टोरेंट जोन क्या होता है, ये है हमारे पास लॉन्गिट्यूड, इसके ऊपर हमने लॉन्गिट्यूड क्या माने देशांतर, देशांतर क्या होता है, ये जो लाइंस होती है जिन्हें कहते हैं हम लोग वर्टिकल, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इन्हें कहते हैं लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, लाइंस ऑफ
लंबाई माने, और ये जो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है ये बताती है टाइम के बारे में, ये टाइम के बारे में बताते हैं। टाइम के बारे में बताना मतलब ये हुआ कि कौन से देश में क्या टाइम है, क्या रीजन है कि भारत देश में जो है 5:30 बजे होते हैं सुबह के, तो लंदन में सुबह के 12 बजे होते हैं, ये टाइम जोन कौन बताता है, लॉन्गिट्यूड। ये जो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड होती है ये बताती है इसके बारे में। ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है जहाँ अर्थ दो भागों में इस लंबे तल पे डिवाइड होती है, इसे कहते हैं प्राइम मेरिडियन। तो आपसे कहा जाता है 0 डिग्री लैटिट्यूड क्या होता है, इक्वेटर। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्या होता है, प्राइम मेरिडियन। सो प्राइम मेरिडियन ये है। ये जो 0 डिग्री है ये कौन से देश में है, तो ये लंदन में है, ग्रीनविच, जहां से पूरी दुनिया की जो लाइन है सेंट्रल लाइन है कॉल्ड जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। ये जीएमटी फॉलो करेंगे वर्ल्ड के टाइम को, सेंट्रल टाइम को। तो कई बार आप देखते हैं आपकी घड़ियों में जीएमटी लिखा आता है, ग्रीनविच मीन टाइम। तो ये जीएमटी जो है ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, यहां से समय लिखा है। ये भी कहानी हमारे पास है। आपसे कहा जाए लॉन्गिट्यूड क्या होती है, तो लंबी लाइन होती है जो टाइम के बारे में बताती है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है प्राइम मेरिडियन के बराबर, और जो 0 डिग्री लाइन है ये गुजरती है लंदन से ग्रीनविच से, लंदन से गुजरती है। चलिए ये बातें हमारे पास है। आगे चलते हैं लोग, ये मैं शुरू किया हुआ लेकिन आगे एग्जैक्टली आपको दिखाते हैं भारत देश का किस तरह का प्रदेश है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भारत देश में जब आते हैं, देखिए ये जो लाइन है जो डिवाइड कर रही है भारत देश को, भारत देश 68 डिग्री ईस्ट के आसपास से लेके 97 डिग्री ईस्ट के बीच में, मतलब अगर आप पूर्व की ओर जाएंगे पूरे मैप में तो भारत देश 82 डिग्री सेंटर में रहता है, 68 डिग्री ईस्ट से लेके 97 डिग्री ईस्ट। भारत देश का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो 82 डिग्री ईस्ट माना जाता है। मतलब ये हुआ कि भारत देश जो है वो लंदन से आगे है, ये ईस्ट की ओर हुआ। तो ईस्ट वाले प्लेसेस आगे होते हैं, वेस्ट वाले माइनस में होते हैं, तो ईस्ट है तो ये आगे हुआ। अब ये अंडरस्टैंड करना कि जो पूरी पृथ्वी है वो पूरी पृथ्वी जो है 360 डिग्री का कवर करती है 12 घंटे, तो 12 घंटे में ये कवर करती है 360 डिग्री, तो 1 घंटे में ये कवर करेगी 15 डिग्री, तो 15 डिग्री जो है वो बराबर होता है 1 घंटे के, तो फिर 15 डिग्री बराबर है 60 मिनट के, और 1 डिग्री बराबर है 4 मिनट, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो 82 डिग्री को गुणा करोगे तो 82.5 × 4 करोगे तो ये आएगा 330 मिनट। 330 मिनट का मतलब होता है 5.5 घंटे, मतलब इंडिया जो है वो लंदन से 5.5 घंटे आगे। तो मतलब अगर लंदन में 12 बजे होंगे तो इंडिया में सुबह के 5:30 बजे होंगे। आपको कोई भी जो डिग्री है उसको 4 से गुणा करना है, उतना टाइम आगे होगा, उतना समय आगे होगा, वक्त उतना आगे होगा लंदन से। अगर कोई देश लंदन से पीछे है मैप में तो वहां समय पीछे होगा, और कोई लंदन से आगे है तो वहां समय आगे होगा। इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। 1 डिग्री लैटिट्यूड बराबर होता है 111 किलोमीटर, और 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड बराबर होता है 4। इसको आप अंडरस्टैंड कीजिए, उसके ऊपर डिफरेंट बातों के ऊपर आते हैं लोग। सर आगे जो हमारे पास दिया हुआ है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, या इससे बिल्कुल पीछे जो लाइन दी होगी इस पहले, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये कहानी है।
कहानी बनी हुई है कि इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 आवर 45 मिनट। लोकल टाइम जो होता है वो डिफरेंट होता है डिग्री के हिसाब से। मतलब क्या कहना चाह रहा है, गुजरात और असम के जो लोकल टाइम है उसमें पौने 2 घंटे का डिफरेंस है। गुजरात और असम का जो लोकल टाइम है जिससे सूर्य अस्त होना या सूर्य उदय होने वो जिक्र किया जाए, तो गुजरात का जो द्वारका है और असम का डिब्रूगढ़ है उसमें पौने 2 घंटे का फर्क है लोकल टाइम। भारत देश के सेंट्रल स्टेट रिलेशन है, हम लोग जो है सेंट्रल स्टेट रिलेशन होने के कारण हमारे राज्य एक दूसरे से मिलके बैठे हुए हैं। मतलब हिमाचल की ट्रेन चंडीगढ़ भी जाती है, चंडीगढ़ की ट्रेन जो है वो चली भी जाती है, तो हम डिफरेंट मैनेजमेंट हमारी प्रॉपर नहीं है, उस रीजन से हम टाइम जोन एक ही रखे हुए हैं। माने भारत देश के हर कोने में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एक ही है। तो फिर सवाल उठता हो कि क्या ऐसे भी देश हैं जिनमें टाइम जोन बहुत ज्यादा होते हैं, तो उन पर डिस्कस करेंगे इसके बाद। आइए डिस्कस करते हैं उनके ऊपर कि टाइम जोन कितने हैं, किसके पास टाइम जोन ज्यादा है किसके पास कम है, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। क्या चीजें हैं उसके ऊपर आइए कुछ प्रैक्टिकल चीजें लेते हैं, जहां भी रियलाइज करें कि प्रैक्टिकली चीज एब्सोल्युटली है। आइए डिस्कस करते हैं चीजों को लेकर। आप यहाँ पाएंगे कि टाइम जोन से पहले मैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कुछ जो बातें सोच लेता हूँ, कुछ ऐसी पिक्चर्स होंगी जो आपको रिलेट करवाएंगे आपकी प्रैक्टिकलिटी से, उन चीजों के जो मैं मेंशन करने जा रहा हूं। ये जो हमारे पास पिक्चर्स मैंने मेंशन किया था, इस पिक्चर में ये जो है इसको देखिए, इक्वल लैटिट्यूड, लैटिट्यूड माने अक्षांश, ये बीच से लाइन में जा रही है, ये इक्वेटर। लेकिन अर्थ को अगर ऐसे डिवाइड किया जाएगा हॉरिजॉन्टली तो इसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहेंगे, माने प्राइम मेरिडियन कहेंगे। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है या हमने जो बात कही कि इस तरह से भी हम चीजें लिख सकते हैं। ऐसे ही आपको मैं उन राज्यों को दिखाता हूँ जिन राज्यों में सबसे ज्यादा या जो है स्टेट से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा पे आएंगे हम लोग, तो कर्क रेखा पे आप शक्ल देखेंगे इसकी कि कर्क रेखा गुजरती कहां से। देखिए हम ये कर्क रेखा, तो आप देखेंगे लिखा हुआ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये रहा हमारे पास डिस्ट्रिक्ट नंबर 1, सॉरी स्टेट नंबर 1। कौन कौन से राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ये जो रेखा है जिसको मैंने खींचा है ये कर्क रेखा है, और कर्क रेखा भारत देश में 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात नंबर 1, गुजरात नंबर 1 का। Then we have this is Rajasthan. Then we have यहाँ मध्य प्रदेश, तो ये गुजरात है, ये राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, और मिजोरम। 8 राज्य हैं जिससे गुजरती है कर्क रेखा भारत देश में। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आपको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके गो थ्रू जाइएगा आपको 100% इसके बाद हम एक आखिरी चीज पे आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्सनली बिलीव, उसके ऊपर डिस्कशन करके देखते हैं कि क्या चीजें वही हैं जो कहना चाहते हैं। टाइम जोन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम जोन पे हम डिस्कस करेंगे कि टाइम जोन पे चीजें हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं। टाइम जोन कौन से देशों के पास टाइम जोन ज्यादा है और कौन से देशों के पास टाइम जोन नहीं है, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। टाइम जोन के माने कौन से देशों के पास टाइम जोन है और कौन से देशों के पास टाइम जोन नहीं है, उसको बड़े से समझ लो। आइए, कौन से देश के पास ज्यादा है कौन से देश के पास कम है, तो ये हमारे पास है। फ्रांस के पास सबसे ज्यादा टाइम जोन है, अगर आप देखेंगे। माने कौन सा देश ऐसा है जिसके पास सबसे ज्यादा टाइम जोन है, तो यहां पे है फ्रांस। फ्रांस के पास सबसे ज्यादा टाइम जोन है और टाइम जोन है 12, माने फ्रांस 13 मानता है वैसे,
फ्रांस ये मानता है कि अंटार्कटिका में भी इसका कोई टाइम जोन है, लेकिन दुनिया खास खास मानती नहीं। तो फ्रांस एक ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा टाइम जोन है, एक ही देश के अंदर 12 डिफरेंट टाइम है। देश के एक कोने में अलग टाइम है, दूसरे कोने में अलग टाइम है। ऐसे ही रशिया, रशिया सेकेंड नंबर पे आता है, आपके हिसाब से आना फर्स्ट पे चीता भी सेकेंड पे आता है, 11 टाइम जोन रशिया के। यूएस के, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस के 11 टाइम जोन है, सेम सेम है रशिया के बराबर। ऐसे ऑस्ट्रेलिया के हमारे पास 9 है, ऐसे ही यूके के हमारे पास 9 है, ऐसे ही कैनेडा के हमारे पास 6, डेनमार्क के हमारे पास 5 है, न्यूजीलैंड के हमारे पास 5 है। तो ये चीजें हैं। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा वो ये होगा कि सबसे ज्यादा टाइम जोन कौन से देश के हैं, तो आंसर क्या है, फ्रांस के। सबसे ज्यादा टाइम जोन फ्रांस के। यहां ही चैप्टर फिनिश होता है। अगर आप लोगों को कोई और इंक्वायरीज आती हैं, आप चाहते हैं किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बने, तो आप इतला कीजिएगा, आप चेक कर लीजिए वीडियो को। इसके बिल्कुल बाद थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर सारी वीडियो मिलती रहेगी। प्लीज प्रेस द बेल आइकन और सब्सक्राइब करें शिवानाइस अकेडमी की। इन सारी वीडियोज के लिए शिवानाइस अकेडमी के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।